इंडियन नेवी नई भर्ती 2020-21। नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेवी में SSR, AA और MR की वैकेंसी का इंतजार करने वाले लाखों अभ्यर्थी जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इंडियन नेवी की SSR, AA और MR की वैकेंसी आखिर कब तक आएगी और इस बार का जो एज का काउंट है वो किस प्रकार रहने वाला है, कितनी से लेकर कितनी अगर एज है तो इस बार भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। दोस्तों इसको लेकर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले। इसी बीच दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है, यहाँ पर इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड में भी एक वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो अब नेवी की तरफ से इंडियन नेवी में भी SSR, AA और MR की वैकेंसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जल्द ही यहाँ पे जारी किया जाएगा। दोस्तों इसको लेकर हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली इंडियन नेवी के हर प्रकार के रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। जी हाँ दोस्तों, यहां पर अब मैं सबसे पहले अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक रिक्रूटमेंट यहां पर आ चुका है। उसके बाद में दोस्तों SSR, AA और MR के रिक्रूटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस रिक्रूटमेंट का भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई जरूर करना होगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से आपको बता देते हैं पहले, उसके बाद में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहां पर तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट आ चुका है, अब SSR, AA और MR का रिक्रूटमेंट भी आने वाला है। अगर आप SSR, AA और MR के रिक्रूटमेंट की इंतजार कर रहे हो, उनकी तैयारी में लगे हो तो दोस्तों इसका फॉर्म भी आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि सिलेबस में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको डिटेल से बता देता हूं मैं, किसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और ये आपका 1/2021 के बैच का नोटिफिकेशन है। जी हां दोस्तों, नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसकी आपकी वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 30 नवंबर से शुरू हो जाएगा और 7 दिसंबर तक आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों एडमिट कार्ड की डेट भी इन्होंने जारी कर दी गई, आपका एडमिट कार्ड 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा जॉब है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। सबसे पहले आपको यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात बता देता हूं, तो उससे पहले आप यहां पर देख सकते हो जो डोमेस्टिक ब्रांच है कुक और स्टीवर्ड उसकी यहां पर वैकेंसी आई है। आर्मर्ड फोर्सेज की जो संगठन है उसके थ्रू ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास हो, 10th में आपके 50% नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो आपका एज क्रिटेरिया है उसमें काफी ज्यादा छूट आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मैं बता देता हूं आपको डिटेल से, कुक की वैकेंसी, स्टीवर्ड की वैकेंसी है। उसके बाद में यहां पर सबसे पहले आपको पे अलाउंस की बात करें तो इंडियन नेवी के बराबर ही आपको अलाउंसेज मिलने वाले हैं। आपका जो बेसिक पे है वो 21,700 से लेकर पे लेवल 3 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और भी बहुत सारे अलाउंसेज मिलेंगे। टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन भी किया जाएगा। उसके अलावा आपको जितनी भी कैंटीन फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, पेंशन फैसिलिटीज है, वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी और 45 डे की और 8 डे आपके कोजल लीव की छुट्टियां भी आपको यहां पर मिलने वाली है। साथ ही आप अपनी फैमिली को भी साथ में रख सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका एज क्रिटेरिया इस बार कितना रखा जाएगा। तो यहाँ पर एज की बात बता देते हैं सबसे पहले, यहाँ पर अलग अलग जोन में अलग अलग एग्जाम सेंटर बनाए गए। अगर आप नॉर्थ जोन से बिलोंग करते हो जिसमें नॉर्थ जोन में आपके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख
लद्दाख के जो अभ्यर्थी है उनका एग्जाम नोएडा में होगा, जबकि नॉर्थ ईस्ट जो उनके कैंडिडेट है जो कोलकाता और जिनका एग्जाम होगा कोलकाता और भुवनेश्वर। जी हाँ दोस्तों, बिहार, झारखंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा के जो अभ्यर्थी होंगे उनका एग्जाम होगा कोलकाता और भुवनेश्वर में। जबकि ईस्टर्न जोन की बात करें, इनका एग्जाम आपका चेन्नई और विशाखापट्टनम होगा। ईस्टर्न जोन में आपके तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अभ्यर्थी भाग लेंगे। वही वेस्ट जोन की बात करें तो वेस्टर्न जोन का आपका एग्जाम होगा मुंबई और कोची। मुंबई में होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और यूनियन टेरिटरी आपका दमन दीव और दादर नगर हवेली के कैंडिडेटों का मुंबई में होगा, जबकि कोची में होगा केरला, लक्षद्वीप और कर्नाटका के कैंडिडेटों का। वही दोस्तों बात करें नॉर्थ वेस्ट जोन की तो गांधीनगर में होगा नॉर्थ वेस्ट जोन का, जिसमें आपका गुजरात राज्य शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हो एज क्रिटेरिया आपका क्या रहने वाला है। दोस्तों एज क्रिटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हो 18 साल से लेकर 22 साल तक अगर आपकी उम्र है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 18 से लेकर 22 वर्ष तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जबकि यहाँ पर बात करें तो जो एससी एसटी के कैंडिडेट है वो 27 साल तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ओबीसी के कैंडिडेट 25 साल तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आयु में भी आपको काफी ज्यादा छूट यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात कर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेटों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जी हाँ दोस्तों पीएफटी करवाया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले आपके 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो आपको 7 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। उसके साथ ही दोस्तों 20 आपके स्क्वेट हो गए, स्क्वेट अप्स होंगे जो इसे उठक बैठक कहते हैं, साथ ही 10 आपकी पुशअप्स होगी। कैंडिडेट अंडर गोइंग पी एफ टी विल डू सो इट देयर ओन रिस्क, मतलब इन्होंने कहा है कि फिजिकल आपकी रिस्क के आधार पर ही करवाया जाएगा। फिजिकल में जो कैंडिडेट पास होंगे उन सभी का होगा मेडिकली टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, मेडिकली टेस्ट होगा और मेडिकली टेस्ट में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेटों का फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन करवाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं आपका जो फाइनली मेडिकल होगा दोस्तों, वो आपके जो ट्रेनिंग सेंटर है INS चिल्का, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी और वहीं पर आपका फाइनल मेडिकल भी करवाया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट इनके द्वारा डॉक्यूमेंटों की लिस्ट जारी की गई है, अगर आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इन डॉक्यूमेंटों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंटों की वजह से भी बाहर हो जाते हैं, जबकि वो फिजिकली, रिटर्न और मेडिकली भी क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट के कारण उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ में ना हो, इसलिए आप इन डॉक्यूमेंटों को जरूर तैयार करवा लीजिएगा। 3 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, 3 कॉपी आपको एडमिट कार्ड के साथ में लेके जानी होगी, साथ ही 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको 2 कॉपी आपको साथ में लेके जानी होगी, साथ ही ओरिजिनल क्लास 10th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 10th की जो ओरिजिनल आपकी मार्कशीट है और आपका सर्टिफिकेट है वो आपको साथ लेके जाना होगा। उसके साथ में अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10+2 पास हो या फिर ग्रेजुएट हो तो वो भी मार्कशीट आप लेके जा सकते हो। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप NCC हो या स्पोर्ट धारक हो तो वो सर्टिफिकेट भी आप लेके जा सकते हो। उसके साथ ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। वही बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, साथ ही आपके पास में एक ID होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल का कोई ID कार्ड है तो उनमें से एक ID आपको साथ में लेके जानी होगी। दोस्तों इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 30 नवंबर से शुरू हो जाएगा, आप जरूर जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पे जाकर आप इसका फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों SSR और बात करें AA और MR की वैकेंसी का, तो दिसंबर तक आपका SSR AA और MR का भी एक बड़ा रिक्रूटमेंट आने वाला है, तो काफी ज्यादा हद तक आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप SSR की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहां पर इस वैकेंसी में भी बड़ा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।